चैन से सोना है तो जाग जाइए। आज हमारे पास आई है ये पोलो, इसको हम पेंट करने वाले हैं ग्रीन कलर में। पागल हो गया क्या? अच्छा लगा, एक और आया कहता अच्छा लगा। पार्ट्स और ये मिला के अभी तक गया है कुछ 2 लाख के आसपास था। ये भी खत्म हो गया ना ऊपर का बता रही है। ऊपर का हाँ, इसको सीलेंट भर के नहीं कर सकते? इसको हो जाएगा सीलेंट भर के। हाँ देख, इधर भी सारा ये सीलेंट ही क्रैक किए देख। हाँ क्योंकि मेरे को मेन जो ये है ये सड़ा हुआ नहीं दिख रहा कहीं। वो नहीं सड़ा, फायरवॉल नहीं है। हाँ फायरवॉल नहीं है, है ना? ये है जो है, हो जाएगा ना फिर। हाँ बस इसमें डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। सर गुड मॉर्निंग। एब्रप्ट शुरुआत ना, मैं बाइक से उतरा, गणेश ने मेरे को खींच लिया। इधर आओ इधर आओ। तो एक्सयूवी के कस्टमर जो हैं वो उनकी फैमिली पूरे आए थे आई थिंक अबाउट अ मंथ बैक, और उन्होंने पूरी गाड़ी रिस्टोर करवानी थी। तो उन्होंने सोचा था कि हमसे अपनी गाड़ी बनवाए। उनकी गाड़ी में रस्टिंग इश्यूज थे काफ़ी, तो उस टाइम ऑलरेडी हमने कलर वगैरह डिस्कशन करके और बजट वगैरह डिस्कस करके हमारा 1.5 घंटा चला गया। दे हैड टू लीव। हमने उन्हें बोला था जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा उस दिन लाइए, एक बार हम काउल पैनल ओपन करके देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता उसका सेपरेटली या बहुत ज़्यादा रस्टिंग नहीं होती तो विल प्रोसीड अहेड विद द प्रोजेक्ट, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है तो विल लेट इट गो। तो इसलिए सर आज गाड़ी लेकर आए हैं। अभी हमने देखा है तो हमें ऊपर ऊपर ही दिखा है, बट काउल पैनल पे एक दो जगह पे रस्टिंग है जहाँ पे छेद हो गया है। दो चीजें हैं, तो अभी एक होता है ये वर्टिकल पैनल, ये जो फायरवॉल जिसको बोलते हैं, और ये ऊपर का काउल पैनल है, ठीक है? तो वहां पे ये एरिया पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ छेद हुआ है, देख रहे हो आप? इधर से यहाँ से आइए और हाँ वो दिख रहा है, ठीक है? और यहाँ पे भी ये भी सारा सड़ा है। तो ये काउल पैनल में हुआ है मोस्टली इन केसेस जहाँ पे वाटर लीकेज की और उनकी प्रॉब्लम होती है, जो फायरवॉल होता है ना उसमें छेद हो जाते हैं जिस वजह से पानी अंदर आता है। तो वहां तो कहीं डैमेज लग नहीं रहा, काउल पैनल में ही दिख रहा है। तो इसके दो सोल्यूशन है, एक इसको पैचवर्क करें। पैचवर्क करने के लिए मेरे को डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, इंजन नहीं उतारना पड़ेगा। और दूसरा सोल्यूशन है उसको ग्राइंड करके पूरा जहां जहां पे भी गैप्स आए वहां पे सीलेंट भर दे। तो ये दो सोल्यूशन है, दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने उनको दो सोल्यूशन दिए हैं कि वहां पे या तो सीलेंट लगा के भी काम चल सकता है, नहीं तो उसको पैचवर्क करना है तो विंडशील्ड खोलना पड़ेगा, डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा और फिर पैचवर्क होगा, तो उनका बजट और एक्सटेंड हो जाएगा। तो अभी हम उनको रिवाइज करके बजट देने वाले हैं, अगर उनको जमेगा, इफ इट सूट्स हिम तो विल प्रोसीड अहेड विद द प्रोजेक्ट, इफ नॉट देन विल हैव टू लेट इट गो। अगर प्रॉपरली करना है तो फिर पैचवर्क करना पड़ेगा जिसके लिए डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। जमता है और आगे बढ़ना है देन विल मूव अहेड अकॉर्डिंगली। मैं गणेश को बोलता हूँ, आपको दे देता है एस्टिमेट, देन यू डिसाइड हाउ यू वांट टू प्रोसीड। ओके गाड़ी कैसी लगी सर आपको? बाय द वे बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। जो हमारी उम्मीद थी उससे कहीं गुना अच्छा काम हुआ है, बहुत ही सुंदर। अभी ये आपको एकदम स्टॉक दिख रही होगी ना? यस, स्टॉक जैसे आपने खरीदी थी। इसको स्टॉक के हिसाब से ही अपने कलर चेंज नहीं किया, ब्लैक ही रखा है, बट ब्लैक वो जो BMW वाला जो ब्लैक किया है ना, वो इसी हिसाब से लिया है। अभी एलॉय जो करना है वो हम थोड़ा कंफ्यूज है, 13 या 14 कौन से में जाए, तो आई थिंक 14 सेट होता है तो हम 14 में ही जाएंगे। उसमें कलर भी फिक्स ही है मेरा, कि जो एलॉय का जो टोन है ना वो मेरे को लेना है गन मेटल में, और व्हील की ब्रॉडनेस जो है वो हल्की सी बढ़ानी है, और ग्लास हम थोड़ा टिंट करेंगे। तो काम कराऊं तो ब्रोटोमोटिव जो करतु है तो बाकी नहीं करूँ। आप
हमने जो काम भी करवाना था ना हमको, अगर ब्रोटोमोटिव मना करता ना तो हम नहीं करवाते। हमको दो बार मना कर चुके थे कि नहीं ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके पार्ट्स वगैरह का इश्यू था, तो हमने थर्ड टाइम बोला ना तो हमको बोल दिया कि हाँ ये हम कर देंगे, तब हम जाके इधर गाड़ी लेके आए। और ये हमारा जो एरिया है, हम जहाँ पे रहते हैं उधर ओनली वन पीस गाड़ी है ये। हाँ, ये बहुत रेयर है सर। हाँ, ये पूरे इंडिया में 200 पीस ही आया था, 100 सिल्वर एंड 100 ब्लैक आया था। ये मेरे ख्याल से 10-15 से ऊपर गाड़ी बची नहीं होगी अभी, क्योंकि बहुत पुरानी है ना, 2003 में ही आया था ये। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले वीडियो में डाला था कि हम लोग को सोलर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, हम लोग सोच रहे हैं कि सोलर पैनलिंग करा ले ताकि बिजली का बिल कम आए। सर हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों ने देखा और कोटेशन एक बेसिक बना के गणेश से बात करके ला के दिया। जिस हिसाब का मीटर लोड हम लोग को एलोकेट हुआ है उस हिसाब से इनके एस्टिमेशन से हम लोग को अबाउट 40-50% इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आना चाहिए। करेंटली हमारा एवरेज अबाउट 70-80,000 रुपीज के आसपास होता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें अबाउट 40,000 रुपीज मंथली सेविंग हो जाएगी। एक्चुअली जगह और है पैनल लगाने की, बट क्योंकि मीटर लोड की लिमिटेशन है तो हम ज्यादा नहीं लगा सकते। बट इसका फायदा ये भी है कि अगर ओवरऑल हम सोलर पैनल कम लगा रहे तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो इनके अजम्पशन के हिसाब से अबाउट 3 ईयर्स के आसपास में जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो नेगेट हो जानी चाहिए, और उसके बाद 40-50,000 मंथली सेविंग हमें होगी। पर राघव ने इसमें एक सही बात बोली कि जब बारिश का मौसम है, जो कि पुणे में 4-5 महीने रहता है, तो क्लाउड बहुत ओवरकास्ट रहते हैं, तो उसके इसमें जो हम यहाँ पे अजम्पशन लगा के चल रहे हैं 16 मीटर्स प्रोड्यूस करेंगे उतना होगा नहीं। तो रियलिस्टिक फिगर हमने ये पकड़ा है कि अबाउट 4.5-5 ईयर्स में हमारा कॉस्ट इवन हो जाना चाहिए। अंदाजे में इन्होंने अभी 15-18 लाख का कोटेशन हमें दिया है, उसके बाद हम लोग 40-50,000 महीने का सेव करने लगेंगे टिल द टाइम सोलर पैनल लास्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम 12 साल की वारंटी सोलर पैनल्स पे है एंड एवरेज लाइफ इज अबाउट 25 ईयर्स। सो दिस इज अ नो ब्रेनर। अगर ये सारा एग्जीक्यूट हो गया तो ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगी हमारे लिए इन द लॉन्ग रन। क्या हुआ? आ रहा हूँ। वो एक्सयूवी का एक है कस्टमर, अपॉइंटमेंट वगैरह सब लिए थे। हाँ, तो उनका काउल पैनल खोल के देखा है, उसमें थोड़ी बहुत रस्टिंग है, तो एस्टिमेट रिवाइज किया है। The quotation is going beyond 4 lakhs. Okay. I don't think it is worth. ठीक है ना, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। सर का इंजन कवर बिठवा के दे देना और जो फिटिंग वगैरह वाइपर का सब बिठा दे। सर आप अकाउंट डिटेल्स मुझे भिजवा दीजिए, मैं 20,000 जो है आपका रिफंड करवा देता हूँ विद इन अ डे और टू, जैसे ही अकाउंट ऐड हो जाएगा मैं करा दूंगा। वो बस चेक कर लेना डेट वगैरह उसका, और वो एंट्री जो है वो नल करवा देना कमलाकर सर से। आप अकाउंट डिटेल्स मुझे बस व्हाट्सएप करवा दीजिए गणेश को, ठीक है सर? ओके, थैंक यू। क्या नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इंजन को बजट नहीं जमा, हमारा लेबर लॉस गया उसमें करीब करीब नहीं होने से भी 1-2 घंटे 2-3 घंटे तो गए अपने, मेरा पर्सनली 1.5-2 घंटे गए, 2-3 घंटे गए। बट कोई बात नहीं, उनको भी इनकन्वीनियंस हुआ, मुझे भी हुआ, उनको 2-3 बार आना पड़ा, कोई बात नहीं, होता रहता है। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ सर का जो बजट ब्रैकेट है उसमें हम उनको सर्विस नहीं दे पाए, बट गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स वैसी थी, हम भी कुछ कर नहीं सकते थे। और जब गाड़ी में मेजर काम रहता है तो फिर बजट तो ज़्यादा जाएगा ही ना, अगर अच्छे से बनानी है तो। हंस क्यों रहे? मुझे एक्चुअली नया कलर मिला है मैकलारेन का, येलो कलर में है और मेटालिक है, 2 कोट सिस्टम में, 3 कोट पर्ल कोट, बेस कोट और क्लियर कोट, 3 कोट सिस्टम में और मेटालिक इफेक्ट काफ़ी अच्छा है उसका। अभी वो कलर का सैंपल बना रहा हूँ मैं और देखते हैं वो कलर कैसा निकलता है। मैकलारेन वोल्केनो येलो।
रहा हूँ, नीचे की तरफ एंट्री पे ना एक बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे फॉर सर्विस प्रेस, और वहाँ नीचे बेल लगाएंगे और उसका जो पॉइंट है वो यहाँ ऊपर एडमिन में देंगे। नीचे से आवाजें लगाना, कॉल करना, सब सिस्टम ही खत्म। कस्टमर आएगा लेफ्ट साइड में, एंटर करते ही लेफ्ट साइड में उसको दिख जाएगा बड़ा सा बोर्ड लगा के और वो बेल बजा के बुलाने का। सबसे सिंपल और सबसे ईजी आइडिया है चीजें ऑटोमेट करने का। कोई आया सर्विस नहीं मिली, ये सब झंझट से बेटर शांति होगी। थी कितना चिल्लाना पड़ता है यार, क्या बोलता है राघव? खुश क्यों है तू, हंस क्यों रहा है? फॉर नो रीजन। क्या बोल रहा है, मेरे को चीखने को नहीं मिलेगा इसलिए? आई एम जस्ट एंजॉयिंग द आयरनी। दिव्यास, दिव्यास तूने कर लिया है क्या? मेरा हो गया। तो सिर्फ क्रॉस चेक करना है? क्रॉस चेक करना है, और जो आपको वही पूछना था क्या अपडे का है वो लगाना ही है। अभी भी लेट आ रहे हैं, देख लीजिएगा। कब बात हुई थी हमारी? 27 तारीख को, दिवाली के जस्ट बाद। 28 तारीख को। अभी अभी टाइम पे है, अभी भी लेट चल लेट आ रहे हैं। यहाँ तो नहीं दिख रहा है, लास्ट के तीन दिन तो सारे टाइम पे। निकाल दो क्या? ला दिखा। अभी तक जितने बंदे देखे एक भी बंदा इसमें लेट नहीं है। 9:18, 9:12, 9:09, 9:08, 9:10, एक डोज का इतना कमाल। सब 9:20 से पहले आए। पकड़ ले 40 × 3 days 120 शिफ्ट में से, इसका क्या मतलब है? आ सकते हैं, आते नहीं है। जो 28 तारीख को जो लेट आए, जो 28 तारीख को लेट आए थे उनका कटेगा। मैं अभी अगर मैंने नहीं काटा ना तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा बात। नहीं नहीं, काट उस दिन का तो जरूर काट, 28 तारीख जो लेट आए। ये महीने का भी अभी अटेंडेंस मंगाया, चेक करने दे, अगर वापस से वही रूटीन में आ गए तो काटना पड़ेगा। क्या बात है, एक भी बंदा लेट नहीं, एक भी टाइट रखने का है। और अभी तो मैं तो सीधा मारूंगा अपडे इनको क्लियर। अगर तेरे को टीम मीटिंग लेनी है बोल दे, बोल सर ने क्लियर बोला हुआ है, 9:20 के बाद दिखा पंचे ना अपडे मार देंगे। यार मैं पहले ही कर लेता ये। अगर किसी ने इन्फॉर्म किया है उतना ही, और वो वन ऑफ है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये डिसिप्लिन कंटिन्यू होना चाहिए। देख शिफ्ट 9:30 ही शुरू होती है, आदमी आता है कपड़े बदलता है, खड़े होकर बात करनी है बात करो, टाइम पास करना है टाइम पास करो, मेरे को लेना देना नहीं। 9:30 शिफ्ट शुरू होनी चाहिए, दैट्स इट। अब जो बंदा आई 9:30 9:32 9:35 पर आया वो कैसे शुरू करेगा? अटेंडेंस चेक करी जा रही है कि सब टाइम पर आए कि नहीं क्लास के बाद। सौरभ का अपडे 10:08 पे आया। कैमरे के पीछे आंखें मुंह मत कर, मुझे दिख रहा है। मेरा सीन अभी कैसा हो रहा है पता है? वो मूवी देखी है तुमने, वो पार्टनर, इतनी खुशी गोविंदा रोता है, वैसा ही वाला सीन है। इतनी खुशी, एक बंदा लेट नहीं। बहुत खुश है तू भाई, 8 दिन की अटेंडेंस देखी, एक बंदा लेट नहीं आया, और क्या चाहिए? दिस जस्ट प्रूव्स माय पॉइंट। क्या कि लोगों पर चिल्लाना चाहिए? नहीं चिल्लाना नहीं चाहिए, पर अगर कोई और रास्ता नहीं बचे तो चिल्लाना चाहिए, काम हो जाता है। अच्छा होना यही है कि अपना काम सब ठीक तरीके से करो। अभी सब लोग टाइम पे है, मैं भी खुश, वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं है। बस 7 बजे शिफ्ट खत्म होती है, 7 बजे से ओटी शुरू हो जाता है। अपना टाइम पे आओ, शिफ्ट टाइम पे शुरू करो, टाइम पे घर जाओ। आप भी हमें टाइम पे सब्सक्राइब कर लो। पर ये सब ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देख, अगर कहीं ना कहीं बिजनेस को ऑटोमेट करना है ना तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट्स डिफरेंट कि अगर तुम वर्क फ्रॉम होम पे हो, आईटी में हो, तो भाई तुम घर पे बैठो या मतलब टॉयलेट में बैठो या फिर हिमाचल पे बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर इस तरीके की जॉब है जहाँ पर डेली शिफ्ट है तो टाइम मैटर्स। दिवाली के बाद से एक भी बंदा एक भी दिन लेट नहीं है। सब अपनी मर्जी से चल रहे थे, कोई भी जिसको जैसे ठीक लगे। कोई 9:40 है, कोई 9:50 है, कोई 9:35 है। तो आ रहे हैं ना? हाँ अभी आ रहे हैं। एक भी बंदा एक भी दिन नहीं। आप किसको डांट रहे थे, दुश्मन को या गणेश को? दुश्मन। क्या किया उसने? मुंबई से क्लिप्स मंगाने थे, मैंने बोला लिस्ट बना के मेरे को दिखा दे। इसने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसने माल डिस्पैच कर दिया और बिल की कॉपी मेरे को भेज रहा है। मैंने बोला ठीक है डिस्पैच कर। तो पीओ नहीं बना रहा क्या ये? क्लिप का नहीं बनाया पीओ, मगर मैंने बोला तूने किससे पूछ के ऑर्डर दिया? तुम लोग सब अपना डायरेक्ट सब धंधे करने चालू कर दिए क्या तुम लोगों ने? मैं बोला मैं तेरे को बोला लिस्ट बना के ला, नहीं गलती हो गया, मैंने उसको बोला नहीं था। मान लो तू बोला नहीं था तो उसने भेजा कैसे? तू बगैर बोले वो भेज देगा क्या मटेरियल को? उसके लिए डांट रहा था। वो तो खाते ही रहता डांट जब। Okay.
आज कंपैरेटिवली संडे के हिसाब से लोड उतना नहीं था, या पता नहीं था, गणेश ने देख लिया, मैनेज कर लिया। बट दिव्यस ने भी किया है, शुभम ने भी किया है। आज शॉर्ट स्टाफ थे हम बहुत, सेल्स टीम में 5 लोग हैं, ठीक है। शाहबाज जिसको कल कमेंट आया था, ऑगी और अक्षय, वो बेचारा बीमार है हॉस्पिटल में, और बचा गणेश, शुभम और दिव्य। तो भाई 5 ही लोग हैं हम, और ये लोग मैनेज करते हैं। अगर इन लोग से अगर कम पड़े तो पीछे हम लोग मैनेज करते हैं। और लोग बढ़ाने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम लोग वर्क वाइज फुल कैपेसिटी में चल रहे। तो अगर सेल्स एडवाइजर और बढ़ा भी लिए 6-7, मतलब कमेंट तो बहुत इजीली आ जाते हैं कि एक बात और 2 बंदा बढ़ा लो, तो अगर 2-3 बंदे और बढ़ा भी लिए तो काम ज्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, फिर लोग कमेंट करेंगे कि फिर वर्क फ्लोर पे लोग और बढ़ा लो, तो अगर वो भी बढ़ा लिए तो जगह छोटी पड़ती है। फिर लोग बोलेंगे जगह बड़ी ले लो, वो पॉसिबल नहीं है भाई। अब हमारे पास इतनी जगह है, हम इतना ही काम कर सकते हैं, तो इसके लिए टीम और बढ़ानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वर्क फ्लोर पे टीम बढ़ाने का प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके का बंदा, चाहे डेडिकेशन हो, चाहे टीम एफर्ट हो, चाहे काम की क्वालिटी हो, रेगुलर हो, डिपेंडेबल हो, वैसा बंदा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए जल्दी स्केल करना पॉसिबल नहीं होता, और अगर जल्दी स्केल होता है तो फिर बैंड बच जाती है इधर उधर, फिर बंदा सही नहीं मिलता। तो बॉटल नेक कहीं ना कहीं से हो ही जाता है, और अगर बढ़ाना है तो सब जगह से सिस्टमैटिकली बढ़ाना पड़ता है। क्योटिक ग्रोथ शुरुआत के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्योटिक ग्रोथ जो है वो दिक्कत दे देती, तो सिस्टमैटिक ग्रोथ चाहिए। कल एक बहुत सैवेज रिप्लाई दिया एक बंदे ने कमेंट पे। एक बंदे ने लिखा, डोंट यू थिंक फोक्स अप्लाइंग पीपीएफ शुड बी कवरिंग देयर हेयर बॉडी विद सम काइंड ऑफ पीपीई टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ सम हेयर गेटिंग ऑन टू द पैनल। मतलब पीपीई सूट वगैरह ये वो पहनना चाहिए, और हेयर नेट पहनना चाहिए जो पीपीएफ लगा रहा है। नीचे एक बंदे ने लिखा है, स्पेस सूट पहनकर वैक्यूम रूम में ही कर लेना चाहिए, है ना। भाई लोग बहुत सैवेज रिप्लाईज देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिन भर उसके बाल टूटते फिर रहे और फिर पीपीएफ के अंदर जाएंगे, है ना। तो जहाँ पर प्रॉब्लम आता है वहाँ पर निकाल दिया जाता है। अभी दिन भर वो पीपी सूट पहन के थोड़ी काम करेगा। आपको मैं बोलूँ, आप अपने जॉब पे ऑफिस में पीपी सूट पहन के जाओ, आप जाओगे क्या रोज। जब कोविड था उस टाइम में 2-3 महीने डॉक्टर्स की पहन के और हॉस्पिटल स्टाफ की पहन के बैंड बज गई थी। अभी जो बंदा 365 दिन काम कर रहा है वो पीपी सूट पहन के थोड़ी करेगा, प्रैक्टिकल नहीं है। कम्फर्टेबल होके जब आदमी काम करता है ना तो काम अच्छा होता है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और जो बंदे ने वो सैवेज रिप्लाई दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ऐसे हर जगह पे सबकी बेइज्जती मत करते जाओ, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट आते रहने दो। गुड नाइट फॉर टुडे। यार हर्षल, तू मेरे को पता किसकी याद दिलाता है? वो आंटी थी ना रसोड़े में, कौन था धूमता ना 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 ना, ये है वो। हर चीज से डिसअपॉइंट होता है, ऐसा थोड़े होता है। थोड़ा और बोलो। बोलो एक काम करना, और नीचे जाना थोड़ा सा, जमीन से शुरू करते हैं ना, ऐसे बात करता हूँ ना मैं। ओमकार शुरू कर ले। रुको रुको, एक बैकअप के लिए ना, एक ऊपर से एक इंट्रो देता हूँ, और एक कि वीडियो शुरू करने बदले वे चल। अरे तो मैं वो एंगल ऊपर से लेता हूँ ना अलग से, वरना मैं लिया था ना, मैंने याद है, ले लो ना। ये पता कैसे चलता है? WWE में ना विंस मैकमैन था, है मतलब जिंदा है, तो पूरा वैसे चलता है। वो ऐसे से चलता था, ऐसे ऐसे। देख ये देख, देख तेज मत कर अपनी चाल, इतनी तेज नहीं है तेरी चाल। क्या आप गाड़ी का कलर चेंज करना चाहते हैं? क्या आप अपने पुराने कलर से परेशान हैं? क्या हर्षल आपको बीच बीच में उंगली करता रहता है? अरे मैट तो सीधा डाला करो, आदमी कैसे पढ़ेगा बताओ। क्या लिखा है? उल्टा। चुड़ैल के पैर नहीं है ये, उल्टे नहीं होते। इधर अभी बोल दो। हाँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक मिनट पर। मुझे एक्चुअली एक नया कलर मिला है अभी मैकलारेन का, येलो कलर में। मैं हंस रहा था कि जीशान वहां पे ऐसे खड़ा था, और मैं जैसे ही गया तो जीशान ऐसे हो गया।
अगर हर्षल का बस चलता तो ये इंट्रो कैसे होता? चैन से सोना है तो जाग जाइए। आज हमारे पास आई है ये पोलो, इसको हम पेंट करने वाले हैं ग्रीन कलर में।